हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज हम बात करेंगे कि क्या सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024 का एग्जाम डिले हो सकता है। कुछ डेटाबेस पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि पहले वाले एग्जाम कैसे कैसे हुए थे, कब उनका नोटिफिकेशन आया था और कब एग्जाम हुआ था, कितने दिन का गैप मिला था। तो उन्हीं डेटा को देखते हुए हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि दिसंबर 2024 का एग्जाम टाइम पे होगा या डिले होगा। ओके, तो अभी आपने लेटेस्ट न्यूज ये सुनी होगी कि सीएसआर नेट जून 2024 का जो रिजल्ट है 15 अक्टूबर से पहले पहले आ जाएगा। ओके, और वैसे एक और चीज है कि अब रिजल्ट जो अनाउंस करने वाली है वो अनाउंस करेगी सीएसआईआर। ओके, और एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है वो बॉडी अलग है, वो है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। ठीक है, तो सीएसआर और एनटीए दोनों अलग अलग बॉडी है। सीएसआर का काम है रिजल्ट अनाउंस करना, ओके, एग्जाम का नोटिफिकेशन निकालने से लेके एडमिट कार्ड से लेके एग्जाम कब होगा, ये सारा का सारा जो काम है वो है एनटीए का। ओके, एनटीए एग्जाम करवाती है, कंडक्टिंग बॉडी है। सीएसआईआर रिजल्ट देगी अपने को कि भाई स्कोर कार्ड भी एनटीए ने दे दिया है। एनटीए ने बोल दिया कि हमने सारे ओएमआर चेक करके सब कितने नंबर आ गए हैं। अब आगे का जो प्रोसेस है वो सीएसआईआर का है कि सीएसआईआर है वो एक प्रॉपर कट ऑफ बताएगी, भाई इस कट ऑफ से ज्यादा वालों को जेआरएफ मिलेगी, इससे कम वाले एलएस वाले हैं, ये कट ऑफ एलएस की रहेगी। तो ये काम क्या है, सीएसआईआर का है। ओके, तो दोनों में आपस में कोई भी ऐसा लिंक नहीं है। सीएसआईआर का रिजल्ट आ जाएगा 15 तारीख से पहले पहले। ओके, और अब हम बात करते हैं कि कब कब पहले नोटिफिकेशन निकला था। जैसे मान लीजिए जून 2024 का नोटिफिकेशन कब आया था, उसके कितने दिन बाद एग्जाम हुआ था। दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन कब आया था, उसके कितने दिन बाद एग्जाम हुआ था। ओके, तो ये देखिए सीएसआर नेट जून 2024 का जो नोटिफिकेशन आया था, एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 मई 2024 से स्टार्ट हुए थे और उसके 55 डेज के बाद में 25th से लेके 27 जून को एग्जाम की डेट बताई गई थी। पर कुछ रीजन रहा, आपको पता ही है क्या रीजन रहा था, तो उसकी वजह से एग्जाम है वो 1 महीने डिले कर दिया गया है ना। अगर वो प्रॉब्लम नहीं आती तो शायद एग्जाम डिले नहीं होता। एग्जाम है वो उसी टाइम होने वाला था, 25th जून से लेके 27 जून के बीच में। पर क्या हुआ कि कहीं पेपर, यूजीसी के पेपर कुछ आउट होने की वजह से या फिर कोई दिक्कत आई थी, उस वजह से एग्जाम को 1 महीने डिले कर दिया गया। ओके, दिसंबर 2023 की बात करें अगर, तो सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन आया था 1 नवंबर को और उसके 55 डेज के बाद में एग्जाम है वो, जो मतलब नोटिफिकेशन एग्जाम फॉर्म ओपन हुए थे 1 नवंबर को और उसके 55 डेज मतलब 26 से लेकर 28 दिसंबर एग्जाम डेट थी 2023 की। अगर यही ट्रैक सीएसआर फॉलो करे अगर, तो अभी सब प्रॉपर चल रहा है, कोई डिले नहीं होगा जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी अक्टूबर 15 से वाला रिजल्ट आ जाएगा और नोटिफिकेशन भी उसके बाद आ जाएगा और 1 नवंबर से एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो सकते हैं। अगर 1 नवंबर से एग्जाम फॉर्म ओपन होते हैं तो उसके 55 डेज के बाद में हमारा एग्जाम हो सकता है, जो कि वापस दिसंबर 25 दिसंबर से लेके 28 या 30 दिसंबर के बीच में अपना एग्जाम हो सकता है। ओके, अब डिले होते होते हुए अगर मान लीजिए 1 नवंबर की जगह 10 नवंबर या उसके बाद अगर एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो हो सकता है कि एग्जाम है वो 1 जैन के आसपास हो, 1 या 2 जैन में हो। पर नहीं लग रहा है अभी ऐसा कोई कि एग्जाम डिले होगा या फिर नोटिफिकेशन आने में कोई लेट हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म लेट होगा, ऐसा लग नहीं रहा है अभी के लिए। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और इसका ये माइंड में लेके नहीं चल रहा कि पता नहीं कब नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको बस अपनी तैयारी पे फोकस करना है। ठीक है, नोटिफिकेशन निकालना, एग्जाम करवाना, सारा काम एनटीए का है। एनटीए प्रॉपर टाइम पे वो एग्जाम करवा देगी, आपको बस दिसंबर 2024 की अच्छे से तैयारी करनी है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो हमारी वेबसाइट है ifsonline.com, इस पे आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है, जो कि जैसे प्रैक्टिस टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, आपको हमारी वेबसाइट पे फ्री मिल जाएंगे। आप वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट पे जाके आपको जाना है ऑनलाइन प्रोग्राम्स पे, उस पे आप सीएसआर नेट फिजिकल साइंस पे क्लिक करना है। लर्न फ्री पे जाके आप प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट फ्रीली दे सकते हो। और सेकेंडरी हमारे सारे पीवाईक्यूज 2011 से लेकर 2024 तक के सारे पीवाईक्यूज है वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। और पिछले 3 साल के जो पीवाईक्यूज है वो इन टेस्ट फॉर्मेट है, जैसे कि
CSIR NET का एग्जाम होता है, CSIR NET है वो CBT मोड अभी एग्जाम हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, उसी फॉर्मेट में हमारे पिछले 3 साल के एग्जाम है वो टेस्ट है वो अवेलेबल है। ओके, तो आप अपनी रियल टाइम एक्सपीरियंस फील कर सकते हो वहां जाके ये टेस्ट देके। ओके, और शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको जो दिसंबर 2024 में आपके काम आने वाले हैं। पिछले पैटर्न को देखते हुए दिसंबर 2023 जून 2024 के पैटर्न को देखते हुए हमने कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, तो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन वहां जाके आप अटेम्प्ट कीजिए जिसकी आपकी प्रैक्टिस में और बूस्टअप मिलेगा। डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। इसके अलावा अभी हमने स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स के 200+ क्वेश्चंस हैं वो हमने हमारी वेबसाइट पे फ्री अपलोड किए हैं, तो ये आपको कहाँ मिल जाएंगे, लर्न फ्री पे जाना। यूनिट टेस्ट में जाओगे तो आपको टॉपिक वाइज है वो आपको ये सारे क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, जैसे WKB मेथड के क्वेश्चन अलग है, ठीक है, पर्टर्बेशन के क्वेश्चन अलग है। अगर हम बात करें क्लासिकल मैकेनिक्स में तो जैसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के क्वेश्चन अलग दिए हुए हैं, ठीक है, तो मतलब लैग्रांजियन के क्वेश्चन अलग है, हैमिल्टोनियन के क्वेश्चन अलग है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको हमारी वेबसाइट पे फ्री मिल जाएंगे। और जो लोग अभी तैयारी शुरू नहीं की है, जिनका टारगेट जून 2024 का है, तो वो अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि हमारा जो नया बैच है वो अभी लॉन्च हुआ है जो कि स्पेशली टारगेट कर रहा है जून 2024 को। आपके पास प्रॉपर टाइम रहेगा, अगर 7 अक्टूबर वाले बैच में एडमिशन लेते हो तो आपका जो कोर्स है वो मार्च तक एंड हो जाएगा। और इसके साथ एक और चीज है, जिनके मार्क्स मान लीजिए 85-90 के आसपास आ रहे हैं तो उनको भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि गेट का एग्जाम है फेब में है, तो आपकी तैयारी काम आ जाएगी। अगर ये सिलेक्शन हो भी गया है यहाँ पर JRF में तो आपका गेट में है वो आपका आपकी जो तैयारी है वो काम आ जाएगी। ओके, तो सारथी बैच है वो 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है और फोकस हम कर रहे हैं जून 2025 को। इसके अलावा जिनकी जिनका बेसिक अच्छा है वो लोग दिसंबर 2024 की तैयारी भी यहाँ से कर सकते हैं, उनके पास सफिशियंट टाइम है, लगभग 3 महीने का टाइम है, तो आप इन 3 महीने के अंदर 6 से 7 सब्जेक्ट आराम से कवर कर पाओगे। ओके, तो लगे रहिए तैयारी के अंदर, अभी इसमें आपको फ्लैट 30% डिस्काउंट भी मिल रहा है। थैंक यू सो मच।